सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज सुचकी का इवेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो मुझे इसलिए रोकना पड़ गया क्योंकि मैं अपने कैमरा की माइक लाना भूल गया था, तो इस वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। और इस टाइम हम पहुंच गए हैं बादशाह नगर, और बादशाह नगर से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं लेट ना हो जाए। तो फटाफट हम निकल रहे हैं, लेखराज मार्केट पहुँच चुका हूँ। और कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहें क्योंकि यार माइक तो लाना हम भूल ही गए हैं, तो इसलिए वॉइस हम अलग से डाल रहे हैं। तो इस टाइम पॉलिटेक्निक चौराहे पहुँच गए। एक बात है भैया, जब सुनसान खाली रोड मिले तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर इतनी सुनसान, वाह, पहले इससे पहले कभी नहीं देखा, मज़ा आ गया। हेलो, बढ़िया। अभी कोई आया ही नहीं है। एंट्री किधर से होनी है? मैं भी यही सोचने के लिए खड़ा हूँ। एंट्री किधर से होनी है? आ रहे हैं, भैया से बात करी है तो बोल रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी लगा लीजिए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि बाइक्स आ चुकी हैं, राइडर्स लोग आ चुके हैं। और येलो कलर की जो बाइक आपको दिख रही है वो है वीस्ट्रॉम, बहुत ही अच्छी बाइक है। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी बाइक कैसी है। तो गाइस, सर आ चुके हैं और अब टी शर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही हैं जितने भी राइडर्स लोग आए हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म वगैरह भी हम लोगों को दिया गया है जो कि फिल करके वापस देना है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा, टी शर्ट्स वगैरह हम लोगों को मिल चुकी हैं। ये मिला है फॉर्म जो कि फिल करके मुझे अब वापस मुझे देना होगा। और ये मैं मिला है ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ है इसके अंदर जो कि इसके अंदर क्या होगा, इतना ही भरना रहेगा ज़्यादा। नाश्ता तो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग निकलते हैं राइड के लिए। और लाइनअप लगने वाली हैं तो हम फटाफट निकलते हैं, लाइन में लग जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पहले पहुंच के ना तो कुछ मिलने वाला है ना ही कुछ, लेकिन यार फर्स्ट टाइम है मेरा तो ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम। और ये लेट्स गो। पहुंचना है द हाईवे टोस्ट जो कि रायबरेली रोड पे पड़ता है पीजीआई हॉस्पिटल के आगे, और हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो कई सारे राइडर्स वगैरह हमारे साथ में देखो हैं, आप लोग देख कितना एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। और वहां पहुंचकर लेंगे हम कुछ ड्रोन के शॉट और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और हम ये चाहते हैं कि जब अगली राइड हो तो हमें फिर से जाऊँ, इस बार जाएंगे तो फुल तैयारी के साथ जाएंगे। और ये देखो 1/2, बहुत सही।
ऐसे होता है एक्सीडेंट, आप लोग देख सकते हैं, आगे वाले ने हमारा ब्रेक, फिर पीछे वाले ने, फिर उसके पीछे वालों ने। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो हम लोग बाइक चलाते हैं ना, थोड़ा मतलब आराम से बाइक चलाएँ, धीरे धीरे बाइक चलाएँ, और एक दूसरे के आगे पीछे बाइक ना चलाएँ, मतलब थोड़ा सा स्पेस बना के हम लोग बाइक चलाएँ। अभी भाई देखो यार कैसे बाइक यार, क्या बताएं लोग को यार। तो यार हम लोग उधर से इसलिए मुड़ के आगे वापस रॉन्ग साइड हम लोग चले गए थे, और इस टाइम हम लोग आ गए हैं हजरतगंज, और हजरतगंज से निकल रहे हैं बस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये हजरतगंज, यार यहाँ की रोड ना बहुत ही ज़्यादा मस्त, और मेरे यहाँ सीतापुर की जो गली की रोड वगैरह यार क्या बताएं, राइड करने में मज़ा नहीं आता है, जो मज़ा यार यहाँ पर आता है। और वाह यार क्या कार दिखी भाई, मज़ा आ गया क्या बताएं, कसम से यार मतलब दिल खुश हो गया। अपने लखनऊ में भी ऐसी ऐसी कार हैं। तो यार गाइस आप लोगों को थोड़ा सा मतलब मेरी वीडियो में प्रॉब्लम ये आ रही होगी, क्योंकि मैं यार माइक की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं वॉइस जो है इसमें से अलग से मैं वॉइस डाल रहा हूँ, क्योंकि हम माइक ले जाना जल्दबाजी में भूल गए। इसीलिए कहते हैं कि जब घर से कभी भी किसी भी राइड या कहीं भी आप लोग ट्रेवलिंग करने के लिए जब आप लोग निकलते हैं घर से, तो एक दिन पहले सारा सामान वगैरह आप लोग चेक कर लें कि कौन सा सामान आप लोग भूल रहे हैं, कौन सा सामान आप लोग लेके जा रहे हैं। तो आप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें, और कोई भी कमी आपको नज़र आई हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली बार हम इस वीडियो में सुधार कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।